मुंबई की टीम यहाँ हारी है तो मुंबई के कप्तान मुशर्रफ अंसारी हमारे साथ हैं। आज आप लोगों ने बहुत दमखम लगाया लेकिन नहीं जीत सके, क्या कहना चाहेंगे? हमें पता था कि 16 प्लेयर है सब हमारे यहाँ, 16 का सब आया हुआ था। मुझे नहीं पता था सब सीनियर लोग भी है, इसी कारण थोड़ा सा नर्वस हो गया था प्लेयर लोग। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर रहा कि जहाँ आप लोगों ने देखा कि हम लोग अंडर 16 के हैं और वो सीनियर खिलाड़ी थे। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों ने अच्छी बैटिंग करी। बाद में जवाब में थोड़ा सा बिखरना बनता है इस तरह का। क्या अब आप यहाँ के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा है यहाँ आने के लिए, ग्राउंड भी अच्छे मिली। यहाँ पे हार जीत का गेम होता ही है, दोनों टीमों में कोई हारता है कोई जीतता है। दर्शकों से क्या स्नेह प्यार क्या मिला आपको? दर्शकों का प्यार बहुत अच्छा मिला, बहुत सपोर्ट भी किया हमें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मुशर्रफ अंसारी, मुंबई के कप्तान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ झंझारपुर के कप्तान राम है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज आप लोगों ने शुरू से ही आप लोग भारी पड़े मुंबई की टीम पर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे हम लोग थोड़ा जूनियर थे, हम लोग सीनियर थे तो हम लोग अगर मैच में चाहेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, यहाँ आयोजन को लेकर किसी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो? नहीं, अच्छा है, टूर्नामेंट अच्छा हो जाए थोड़ा। आज के मैच में आपके लिहाज से, आपके नजर में आप लोगों का सबसे बड़ा क्या चीज था ऐसा जो आपको जीत के करीब ले गया? मेरे को बैटिंग अच्छा था। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप लोगों को खेलना है और नेपाल के रोहतक की टीम है जिन्होंने बनारस की एक मजबूत टीम को हराया है टूर्नामेंट के पहले नॉकआउट लीग मुकाबले में, तो आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी आपकी उन लोगों के साथ खेलने की? हम लोग अच्छा रणनीति बना के आएंगे और मैच जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आते हैं मैच के मैन ऑफ द मैच की घोषणा की जा रही है। मैच का मैन ऑफ द मैच झंझारपुर टीम के अजय को दिया जा रहा है जिन्होंने बल्लेबाजी में 45 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में 4 विकेट भी लिए हैं। अजय, सबसे पहले मैच का मैन ऑफ द मैच बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। आज इस मैच में क्या ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने आपकी टीम को जीत के करीब ले गए? जो भी लड़का था सब मैच्योर लड़का था, सामने में थोड़ा जूनियर लड़का था तो सब भी मैच्योर था तो अच्छा खेला, इसलिए हालांकि थोड़ा जूनियर लड़का थे लेकिन क्लैश जब हो रहा था तो एक बारगी यह देखने को मिला था कि उन लोगों ने भी बढ़िया मतलब डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम किया। हाँ, वो भी खेलने आया था तो अच्छा किया, तो हम लोग हंसी मजाक में तो रन बहा दिया। बाकी चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आ जाए आपको हमारी ओर से। और मैं अब आग्रह करूंगा हमारे आयोजन समिति के उपाध्यक्ष पीताम्बर मिश्र जी जो इस टूर्नामेंट के सभी मैचों में मैच का मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं, और आज हमारे खास विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सोबरौली के पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह जी से, जो खुद भी एक क्रिकेटर है, सिंह इज किंग 11 में खेलते हैं वो लोग, मैं दीपक सिंह जी, इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हमारे अजय भैया जी, अजय प्रसाद जी, उनके साथ साथ हमारे आयोजन समिति के सचिव राजेश एलआईसी पिच और मैनेजमेंट प्रभारी मुन्ना कुमार शाह जी, और इसके अलावा जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तमाम लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग आए और मिस्टर अजय को मैच का मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार तालियां आर्य के लिए।